आज हम केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि PYQs है, यानी कि पहले एग्जाम में आ चुके हैं और ये सभी हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। टेम्परेचर से कौन जो है अफेक्ट नहीं होता, यानी कि किसको टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता। तो इसमें ना जो वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा उसको टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, और जो वॉल्यूम डिपेंड नहीं होगा वो टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला में आप देखे होंगे कि ये वॉल्यूम सॉल्यूशन के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, ये भी वॉल्यूम पर डिपेंड करता है और ये भी वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। सिर्फ मोलालिटी का फॉर्मूला में होता है वेट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोल्स सॉल्यूट का, और वेट होता है केजी में। तो इसमें हो जाएगा मोलालिटी जो होता है, मोलालिटी टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट क्या अभी हम बताएं, मोलालिटी। तो मोलालिटी का बी है। फिर है अगला क्वेश्चन है, 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेन 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, व्हाट इज़ द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मोलालिटी पूछा, तो मोलालिटी बराबर क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और केजी यानी कि सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यह होता है मोलालिटी बराबर। तो सबसे पहले हम सॉल्यूट का मोल निकालेंगे, सॉल्यूट कितना है, तो इसमें जो सॉल्यूट है वो चीनी है, तो चीनी का वेट दिया गया 34.2 ग्राम। अब 34.2 ग्राम वेट है चीनी का, तो मोल कितना हो जाएगा, तो चीनी का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है शुगर का, मोल निकालेंगे, मोल ऑफ शुगर, हो जाएगा 34 ग्राम है और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 342, तो हो जाएगा 0.1। उसके बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें सॉल्यूशन से काम नहीं चलता है, इसमें सॉल्वेंट का वेट चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया है 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप, यानी कि ये पूरा सॉल्यूशन का वेट है, तो सॉल्यूशन का वेट में से चीनी का वेट यानी कि सॉल्यूट का वेट को घटा देंगे तो सॉल्वेंट का वेट बच जाएगा, तो आ जाएगा 200 ग्राम जो हो गया सॉल्वेंट का वेट हो गया। इसको हम लोग केजी में कर लेते हैं, तो ग्राम में है तो केजी में करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, तो 0.2। अब हम देखेंगे क्या मोलालिटी, तो मोलालिटी बराबर हो जाएगा क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना था, 0.1/0.2, तो हो जाएगा एक। इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर आ रहा है यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यानी कि 0.5 मोलालिटी, यानी कि मोलल था, इसके आगे 0.5, यहाँ पे ऑप्शन ही हमारा गलत है, इसमें एक ऑप्शन होगा 0.5, हम इसी को सुधार देते हैं, 0.5 मोलालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 2 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, इट्स मोलारिटी विल बी, मोलारिटी बराबर क्या होता है, मोलारिटी बराबर भी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन लीटर, इसको भी लीटर में ही रखना है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल बराबर क्या हो जाएगा, 2 ग्राम ऑफ NaOH, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है आपको पता होगा, NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 40, तो इसका मोल्स कितना हो जाएगा, तो मोल्स बराबर हो जाएगा इसका मोल्स ऑफ NaOH बराबर हो जाएगा कितना ग्राम वेट है, 2 ग्राम है तो 2/40। इसका हो जाएगा मोल्स 0.05। उसके बाद इसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 200 ml, तो सॉल्यूशन को भी लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, वॉल्यूम को
200 ml, इसको लीटर में बदल देंगे तो आ जाएगा 0.2 लीटर। अब इसको निकाल लेंगे यहाँ से, क्या आ जाएगा 0.05 मोल और बटा लीटर में आ जाएगा 0.2 लीटर, तो यह जाएगा 0.25 मोल्स पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट देन द सॉल्यूशन इज सेड टू बी। तो इसमें देखें आप, सॉल्वेंट का वेट दिया है, क्या दिया है सॉल्वेंट का वेट। सॉल्वेंट का जब वेट से कुछ भी कंसंट्रेशन का यूनिट निकालते हैं वो हमेशा मोलालिटी में होता है, और ग्लूकोज का क्या दिया है वेट। तो ग्लूकोज का पहले तो निकाल लेंगे क्या मोल्स, तो ग्लूकोज का मोल्स क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो वेट हो जाएगा बाई मॉलिक्यूलर वेट, ग्लूकोज का 180 होता तो 0.1 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 1 kg का सॉल्वेंट है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 1 kg, वन के जी, तो हो जाएगा क्या 0.1 मोलर मोलालिटी, 0.1 by 1 0.1, तो आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन का गुण कौन है। तो आदर्श विलयन का गुण होता है कि वह रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें से कौन जो है आदर्श विलयन नहीं है। तो जो भी होगा जो सेम ग्रुप का नहीं होगा वो आदर्श विलयन भी नहीं होगा। इसमें देखिए, एक बेंजीन है, एक टॉलिन है, ये दोनों सेम ग्रुप का ही है। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये भी सेम ग्रुप का है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये डिफरेंट ग्रुप का है, तो यही होगा आंसर। यहाँ पे देखें, ये भी टेट्राक्लोराइड है, ये भी टेट्राक्लोराइड है, ये भी सेम ग्रुप का ही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो सोल्यूशन होगा वो आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन विच बॉयल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड। तो इसको कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है 4 तरह का, जिसमें से एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर।